नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं गया था मेरे नियरेस्ट जो टाउन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप में, इस तरह का जो MCPCB है LEDs का, उसको खरीदने के लिए। दोस्तों पहले नहीं मिलता था, मिलता भी था तो बहुत ही डुप्लीकेट मिलता था। अभी हाई क्वालिटी मिलने लगा है और बहुत सस्ते में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे पहले मैं कोलकाता से लाया था, लेकिन अभी मेरे जो नज़दीक का टाउन है वहाँ पर ही मिल जाता है, बहुत ही अच्छा है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं 50 पीस 9 वाट का MCPCB लाया हूँ, और बैक साइड में है ये है 18 वाट का, ये है 12 वाट का। तो तीन टाइप का मैं PCBs को लाया हूँ, MCPCBs, बहुत ही सस्ते में। आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा लिस्ट है, और भी सामान लिया था मैं, लेकिन MCPCBs मेरा प्रायोरिटी मेन था। ये है 12 वाट का, ये है 18 वाट का, और ये है 9 वाट का 50 पीस। यहाँ पर 48 पीस है, और दो पीस बाहर है, एक पीस ये है, और एक पीस को मैं ऑलरेडी टेस्ट कर रहा हूँ, आज ही लाया हूँ दोस्तों। अभी अभी मैं टेस्टिंग पे लगा दिया हूँ एक बल्ब में। और दोस्तों अभी जो LED बल्ब मुझे मिला है बहुत ही हाई क्वालिटी का मिला है, इसको मैं पूरी तरह से टेस्टिंग कर लिया हूँ। इससे पहले जो कोलकाता से मैं लाया था, दिखाता हूँ आपको, ये भी सिस्का का है, देख सकते हो सिस्का का है। जो मैं कोलकाता से लाया था वो भी सिस्का का है, लेकिन वो डुप्लीकेट था, देख सकते हो डिफरेंस। दोनों में सिस्का लिखा हुआ है, लेकिन ये मीडियम क्वालिटी का है, ये बिल्कुल हाई क्वालिटी का है, ये मीडियम क्वालिटी, ये हाई क्वालिटी का। और इससे भी खराब क्वालिटी का पहले लाया था मैं, देख सकते हो, ये सबसे खराब क्वालिटी का है। उसके बाद ये मीडियम क्वालिटी, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मुझे मिला है, तो मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ इस चीज़ को देखकर। दोस्तों मैं सभी LEDs को चेक टेस्ट कर लिया हूँ, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा है। ऐसे देख के नहीं बता रहा हूँ, मैं टेस्टिंग कर लिया हूँ। मैं यहाँ पर 50 पीस लाया था, तो यहाँ पर 49 पीस है, तो यहाँ पर 48 और ये है 49। ये पहले का जो MCPCB था 9 वाट का मेरे पास वो है, और ये सबसे पहले लाया था मैं, ठीक है। तो दोस्तों इस बार जो MCPCB मिला है, देख सकते हो ये थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटा साइज में बड़ा धमाका, बहुत ही हाई क्वालिटी का है। जो कंपनी वाले LEDs में लगा हुआ रहता है ना, कंपनी का न्यू LEDs में, वही LED इसमें लगा हुआ है। लेकिन ये जो लाया था मैं, ये मीडियम क्वालिटी का है, लेकिन ये बेस्ट क्वालिटी का है। देखिए अंतर, देखिए LEDs का जो कलर है वो भी थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, शायद आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए कलर में थोड़ा सा फर्क है, साइज में तो फर्क है ही, कलर में डिजाइन में थोड़ा सा फर्क है। दोनों ही 9 वाट का है, देख सकते हो दोनों में लिखा हुआ है 9 वाट। देखिए यहाँ पर 9 वाट और वहाँ पर भी 9 वाट लिखा हुआ है, उल्टा पक रहा हूँ इसीलिए उस तरफ दिखा रहा है। बेस्ट क्वालिटी का MCPCB मुझे मिल गया, मीडियम क्वालिटी का, और जो पहले था ये सबसे खराब क्वालिटी का, ठीक है। चलिए एक LED बल्ब को मैं रिपेयर करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ओ पहले प्राइस बता देता हूँ, कुछ लोगों का सवाल होगा। तो यहाँ पर और भी दो सामान खरीदा था, दो क्या और भी सामान खरीदा था मैं दूसरा दुकान पे, तो इस दुकान में सिर्फ ये दो चीज़ और LEDs को खरीदा था। तो देख सकते हो एक जो 18650 का होल्डर है, 18650 बैटरी जो है ना, इस तरह का वो होल्डर है, कुछ इस तरह से लगा के आप सीरीज बना सकते हो LEDs का, मतलब बैटरीज का। तो यहाँ पर चार बैटरी लगेगा, तो उस हिसाब से वोल्टेज को आप अंदाजा कर लीजिए कितना होगा। मैं यहाँ पर तीन लगाऊंगा 12 वोल्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको साइड में रखता हूँ।
और उसके बाद एक काटर लिया हूँ, बहुत ही टफ जो वायर है और रहता है ना उसको काटने के लिए लिया हूँ। जो मेरे पास नॉर्मली जो कटर था, कटर है, वायर कटर देख सकते हो, इस तरह का वायर कटर से अगर मोटे वायर को काटोगे तो ये टूट जाता है यहाँ पर से। ऑलरेडी मैं दो दो तोड़ चुका हूँ और इसका कीमत भी बहुत ज़्यादा है, 85 रुपीज़ है। और ये जो लाया आज मैं, इसका कीमत सिर्फ 60 रुपीज़ है, लेकिन बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड, बहुत ही हैवी है। लेकिन इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। इसको हम साइड कटर है, एक्चुअली साइड कटर है, देख तो बारीकी से छोटे छोटे जो वायर है उसको काट सकते हो बोर्ड से। लेकिन इसको मैं लिया हूँ जो मोटा मोटा वायर होता है उसको काटने के लिए, और दूसरा चीज़ को भी काटा जा सकता है, प्लास्टिक को भी काट सकते हो। बहुत ही हैवी है, मजबूत है, देख सकते हो बहुत ही मजबूत। और इसका प्राइस लिया है 60 रुपीज़। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो 9 वाट का MCPC भी है, 50 पीस लिया हूँ और 7 रुपये लिया है एक एक का, 350 होता है। जो 12 वाट का है, यहाँ पर 12 वाट का दिखाता हूँ मैं, लेकिन जो 12 वाट का लिया हूँ वो मीडियम क्वालिटी का है, मुझे लग रहा है कलर देख के पता चल रहा है ये बेस्ट क्वालिटी का नहीं है, डेफिनेटली ये बेस्ट क्वालिटी का नहीं है। ये वाला शायद अच्छा है, लेकिन 9 वाट का मैं टेस्ट कर चुका हूँ, 9 वाट का बेस्ट क्वालिटी का है, लेकिन 12 वाट का बेस्ट क्वालिटी का नहीं है। लेकिन इसका प्राइस देख सकते हो 13 रुपये पर पीस। और जो 18 वाट का है, 18 वाट का लिया है 15 रुपये पर पीस, 5 पीस लिया था मैं, ये है 18 वाट का, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है ये भी, लेकिन ये 12 वाट का अच्छा क्वालिटी का नहीं है, देख सकते हो। उसके बाद लिया था मैं कटर, देख सकते हो कटर 60 रुपीज़ ये वाला कटर। और उसके बाद फोर सेल बैंक ये लिया है 45 रुपीज़। 50 रुपये चाहा था तो उन्होंने डिस्काउंट कर दिया, 40 रुपीज़ में दे दिया, 45 में सॉरी। तो टोटल हुआ था मेरा 660। और भी सामान लिया था दूसरे दुकान पे और दूसरा कागज़ पे है, तो कोई बात नहीं। तो आज के बाद तो मुझे कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा और मेरे लोकल मार्केट में ही आ गया, बहुत ही हाई क्वालिटी का। और इसका साइज भी आपको मेजर करके दिखा देता हूँ, देखिए इंची टेप, देखिए कितना सेंटीमीटर लंबाई है, ये 2.5 सेंटीमीटर लंबाई है। ओके, चौड़ाई इसका है, चौड़ाई है 1 सूत कम 2 सेंटीमीटर, ठीक है 1 सूत कम 2 सेंटीमीटर। लेकिन जो पहले वाला था ना उसका लंबाई चौड़ाई शायद 2.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से, इधर से 2.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम था और इधर पूरा 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये वाला छोटा है लेकिन बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का। तो चलिए साइड करता हूँ मैं सब MCPC को। चलिए फटाफट से इस LED बल्ब को रिपेयर कर देता हूँ मैं। यहाँ पर से डिफ्यूजर को हटा लेता हूँ और इसको ऑलरेडी एक बार मैं रिपेयर किया था, तो यहाँ पर से मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। दोनों स्क्रूज को खोल लेता हूँ, यहाँ पर से हटा लेता हूँ, ये फ्यूज हो गया है,
पहले वाला जो मीडियम क्वालिटी का था वो फ्यूज हो गए हैं, लेकिन अभी बेस्ट क्वालिटी का लगा दूंगा तो 1 साल चलेगा, 1 साल से भी ज़्यादा चलेगा। ये इसका थिकनेस भी ज़्यादा है, पहले वाला का थिकनेस देख सकते हो पतला है, पहले वाला पतला है, शायद आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। बैक साइड में थर्मल ग्रीज लगा देता हूँ, थर्मल कंपाउंड भी लेना पड़ेगा, लेना भूल गया। अभी तो कोई टेंशन नहीं, मेरा लोकल मार्केट में ही आ गया है सभी चीज, सभी टेंशन खत्म। ओके, थर्मल कंपाउंड लगा दिया और यहाँ पर बिठा देता हूँ। इसका साइज देखो तो छोटा कर दिया है, जो होल्स है ना उसमें सही से नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी टाइट हो जाएगा, बहुत ही छोटा कर दिया है, तो टाइट कर देता हूँ पहले स्क्रू। टेढ़ा करके टाइट करना पड़ेगा। अरे यार इधर से भी हट गया, देख सकते हो तो इधर भी जो होल है ना वो साइड में चला गया, ज़्यादा ही छोटा कर दिया है, कुछ इस तरह से इसको लगाना पड़ेगा। पकड़ने के बाद ये मजबूती से लग जाएगा। ओके टाइट कर देता हूँ, मीडियम टाइट करेंगे। ओके कस दिया परफेक्टली, तो उसके बाद शोल्डर कर देता हूँ। यहाँ पर शोल्डर करने से पहले हमें शोल्डरिंग फ्लक्स लगाना पड़ेगा। इधर है नेगेटिव, इधर है पॉजिटिव, फ्लक्स को लगा दिया, शोल्डर कर लेता हूँ। पहले पीसीबी में शोल्डर लगा लेंगे और यहाँ पर अच्छे से चिपकता भी है इस पीसीबी में, हाई क्वालिटी का कॉपर वायर दिया है इसमें शायद। इधर है प्लस, ओके इधर है माइनस, ओके परफेक्टली शोल्डर कर दिया। चलिए बिजली में लगाता हूँ, यहाँ पर 220 वोल्ट है, लगाता हूँ परफेक्टली, बहुत ही ज़्यादा रोशनी, परफेक्टली जल रहा है, बहुत ही ज़्यादा रोशनी के साथ, हाई क्वालिटी का एलईडी बल्ब लगाया है इसीलिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आरसी ड्राइवर का जो वीडियो मैं बनाने वाला था आज, तो उसको नहीं बनाया क्योंकि मैं खरीदने चला गया था एलईडी, इसको टाइम नहीं मिला, तो नेक्स्ट कभी वीडियोस में आ जाएगा। किसी भी बात को मैं नहीं भूलता हूँ दोस्तों, आप लोगों को मैं वादा करके नहीं भूलता हूँ, एक्चुअली काम ही आ जाता है।
इसीलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए।